गणपति अप्पा बोलिया एक्सपीरियंस गाइस फर्स्ट एक्सपीरियंस। हेलो एवरीवन, दिस इज राव फ्रॉम आरजे व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो गाइस, आज हम लोग आए कालू वाटरफॉल। तो और मानसून का ये फर्स्ट टाइम हम लोग निकले और कल रात को आए थे। हम लोग एक जगह पे स्टे किए थे, अगर आप गूगल मैप में नियर बाय लोकेशन मालशीजगढ़ के यहाँ पे डालेंगे रूम्स अवेलेबल हैं। तो भूषण होटल करके एक था, तो उनका एक छोटा सा ऐसा है मतलब गाँव जैसा है थोड़ा, तो उसके बीच में हम लोग रूम बुक किए थे। सुबह का बज रहा है 6 और यहाँ का वेदर देखो गाइस कैसा हो गया पूरा। बहुत लोग हैदराबाद और ये साइड से आए, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं सुबह ट्रैक के लिए। 6 बज गए और यहाँ का वेदर देख सकते हैं, अभी यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करेंगे और यहाँ से कुछ 1 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे आगे गाड़ी पार्क करेंगे और वहाँ से भी कुछ 1 या 1.5 घंटे का ट्रैक ही है। सर ऐसा लग रहा है यहाँ का वेदर तो देख, तो रात को हम लोग आए तो इतना कुछ समझ में नहीं आया, बट अभी जो सुबह का व्यू है यहाँ पे 7 किलोमीटर है ट्रैक स्पॉट जो मैं जहाँ से कल वो लोग पहुँचा देता है। अहमदाबाद से है और यहाँ पे लोग ट्रैक चालू हो चुका है हम लोग का, यहाँ से अभी हम लोग निकल गए। तो बहुत मज़ा आने वाला है, यहाँ का वेदर देख के तो बहुत फॉगी हो गया है, मतलब ये जो जगह की वैल्यू है वो यहाँ पे अभी सुबह होने के बाद ही समझ में आ रहा है, क्योंकि रात में हम लोग आए थे पूरा अंधेरा था और अभी यहाँ पे जो व्यू है मदर नेचर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके बहुत पीसफुल है जगह, और अभी आगे का तो रास्ता बहुत बाकी है, क्योंकि मेन स्पॉट जो कल्लू वाटरफॉल हम लोग को जाना है उसके लिए थोड़ा ट्रैक है, तो ट्रैक करके उस स्पॉट पे कम्प्लीट पहुँचना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग निकल के मिलते आगे। यहाँ पे जो एक ग्रीन कलर का जो बोर्ड है, यहाँ से लेफ्ट मारना है अगर आप मुंबई से रास्ते से आ रहे हो तो। ये मालसेज का रास्ता जाता है और ये कालू वाटरफॉल जाने का जो रास्ता है यहाँ से। हम लोग ने जो बुक किया था रूम वो मालसेज घाट के यहाँ पर किया था, वहाँ से अभी हम लोग नीचे हैं और अभी से कालू वाटरफॉल का एंट्री है। सो गाइज, ये यहाँ पर एंट्री का पर पर्सन 30 रुपीज़ लिया है ये भाई जो सामने है हमारे। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग कल्लू वाटरफॉल का ट्रैकिंग मोस्टली स्टार्ट हो गया, अभी सिर्फ आगे पार्किंग रहेगा गाड़ी का, वहाँ पे पार्क करके फिर जो मेन वाटरफॉल है वो चालू हो गया। और यहाँ से व्यू भी दिख रहा है वाटरफॉल का, आप देख सकते हो पीछे, और कुछ वहाँ से लेके पार्किंग से वाटरफॉल तक का जो व्यू है वहाँ तक का 5 किलोमीटर्स कुछ है। तो
यहाँ पे गाड़ी जो ला सकते हो मोस्टली बाइक लेकर आना, क्योंकि एक्टिवा में यहाँ पे जो कच्चा रास्ता है ना तो प्रॉब्लम हो सकता है। और मानसून का ये बेस्ट ब्लॉग रहेगा मेरा। मेन स्पॉट पे हम लोग पहुँच गए, यहाँ पे गाड़ी पार्किंग किया हम लोग ने, और गाड़ी का 20 रुपीज़ ले रहे हैं एक गाड़ी का। और यहाँ पे सब बैग रख के यहाँ से हम लोग ट्रैक स्टार्ट करने वाले अभी। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग ट्रैक स्टार्ट कर दिया, यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर्स है। तो क्या बोलते पब्लिक, लेट्स गो। गणपति अप्पा बोलिए। बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसा मानसून का ट्रिप निकले आज, और जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कल रात से था, क्योंकि कल रात में जो फॉग हम लोग को मिला रोड पे तो बहुत मज़ा आया कल रात को भी राइड करके। और अभी मॉर्निंग का व्यू भी यहाँ पे बहुत, वेदर बहुत अच्छा है, बारिश तो रुका है फिलहाल, अभी आगे जाके बारिश मिलने का चांस है। और आगे जिप क्रॉसिंग करके कुछ है, उसका भी कुछ चार्जेस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। तो देखते हैं आगे क्या होता है, पूरा एडवेंचर होने वाला है, मज़ा आने वाला है बहुत टाइम बाद। तो स्टे कनेक्टेड गाइज, लास्ट तक वीडियो देखना, मज़ा आएगा। सो गाइज ये दो रास्ता आता है, ये एक लेफ्ट है और ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ पर, ये लेफ्ट नहीं जाता वाटरफॉल की तरफ, यहाँ पे जो जा रहा है ये रास्ता वाटरफॉल की तरफ जाता है, तो कन्फ्यूज मत होना। सो गाइज ये जो मेन पीछे का वाटरफॉल है वो यही है कालू वाटरफॉल, और इसको गॉड्स वैली भी बोलते हैं, महाराष्ट्र का हाईएस्ट वाटरफॉल और मोस्ट फेमस वाटरफॉल है। और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है आपको वीडियो में इतना समझ में नहीं आएगा, बट जो बात क्लाउड्स ऊपर आ गया ना, क्लाउड्स हटने के बाद 3 वाटरफॉल कनेक्ट है वो दिखता है पूरा। तो ज़्यादा ट्रैक है नहीं, नॉर्मल ट्रैक है, इजी ट्रैक है एकदम। और अभी यहाँ पे शायद जिप क्रॉस करके जाना है। जिप लाइन है, यहाँ से क्रॉस करना है अपने को, क्योंकि ये जो हाइट है उसका बहुत ज़्यादा है, तो जिप लाइन के सिवा अपन जा ही नहीं सकते। और हम लोग को 8 लोग का उसने 600 रुपये बोला है, तो बहुत सही लग रहा है, मतलब एक एडवेंचर लग रहा है यहाँ से जाना, और बहुत थोड़ा डर भी लग रहा है, रिस्की भी है। यहाँ पे और एक जिप लाइन है, जो कि वो रास्ता था वहाँ से घूम के, मतलब हम लोग वहाँ से आए, वो रास्ता घूम के ऐसा आता है, तो वहाँ से भी एक ये पॉइंट पे भी एक जिप लाइन है जो ये क्रॉस करना पड़ेगा। अगर पानी का बहाव कम रहेगा तो पब्लिक चल के आती है यहाँ से, बट अभी ज़्यादा है तो सब लोग जिप लाइन यूज़ करके आ रहे। और गाइस तो फाइनली अभी हम लोग ट्रैक जाकर वापस स्पॉट पे फोटो वगैरह वीडियो वगैरह निकल के आ गए, और अभी हम लोग आए यहाँ पे, रुके ज़रा फ्रेश हो रहे गाड़ी के पार्किंग के यहाँ पे, मतलब जहाँ पे पार्किंग किए थे वहाँ पे पानी वगैरह पी रहे,
तो फाइनली ट्रिप को बहुत टाइम से हम लोग सोचे थे कि जाने का कालू वाटरफॉल, तो आज जाकर आ गए। अच्छा भी लग रहा है और एक्साइटमेंट लेवल जितना था और उससे ज़्यादा लेवल बढ़ गया हम लोग जब वाटरफॉल के नज़दीक पहुँचे तो बहुत अच्छा लगा वाटरफॉल देखकर। वाटरफॉल के इधर तो जा नहीं सकते बट वो जो व्यू है वही जगह का जो प्योर फील है पीस है वही जगह से है, तो थोड़ा रिस्की लगा बट तो जो रोप का रास्ता था, रोप पकड़ कर जो स्लाइड था वाटर स्लाइड में से हम लोग जा रहे थे, वो जो ग्रुप आता है ट्रैकिंग का तो उन लोग ने बांधा था वहाँ पे, तो जब उनका ऊपर जाकर उन लोग रिटर्न आ रहे थे तो रोप भी निकाल देते उसको। हम लोग आने के टाइम हम लोग को थोड़ा रिस्की लगा तो संभल कर आ गए बट अच्छा था, एन्जॉयमेंट किए, फील किए, पूरा एडवेंचर किए। और अभी हम लोग निकल रहे घर के लिए। अगर आप लोग आने का प्लान कर रहे हो तो प्रिकॉशन लेकर आना गाइस, क्योंकि ग्रुप आए तो बहुत अच्छा है और ग्रुप ट्रैकर्स ग्रुप के साथ आना क्योंकि हर जगह का गाइडेंस रहता है तो वो लोग बराबर लेके जाते। और मैं ये बोलूँगा कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख रहे हो तो प्रिकॉशन ज़रूर लेना इस जगह पर, और बहुत सारे ऐसे बहुत सारे जगह है बट वहाँ पर भी आप जाओगे तो प्रिकॉशन लेकर ही जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो गाइस। बहुत दिन बाद मैंने वीडियो डाला है तो अच्छा भी लग रहा है, मानसून का वीडियो मैं पहले डाल रहा हूँ और आगे भी वीडियोस आते रहेंगे, टाइम लगेगा बट वीडियोस तो बनने होगा, वीडियोस तो मैं कंटिन्यूसली डालता रहूँगा। मोस्टली मैं शॉर्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, शॉर्ट्स भी डालता हूँ, मेरा शॉर्ट्स भी आप लोग देख सकते हो। तो मिलते हैं गाइस, वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो गाइस। स्प्रेड लव, पीस आउट।